यादों को सीने से लगा के रखो तो नासूर बन जाती है। रोज घुट घुट कर उनको याद करके रोने से बेहतर है तुम उनकी चिता को आज अब भी यही इसी वक्त जला दो। आरू मेरी भावना है इनमें, जो छवि मैंने अपने पिता की बनाई थी वो इन खतों में, जिंदगी भर जो बातें करना चाहती थी ना उनसे वो लिखी है मैंने इनमें। अपने हाथों से कैसे चला दूं मैं? जब रिश्ता मर जाता है ना आरू, उसका अंतिम संस्कार करके उससे मुक्त होने से बेहतर कुछ भी नहीं होता है। कल टेस्ट का नतीजा कुछ भी, पर तुम्हारे लिए रिश्ता अभी के अभी, तुम अभी के अभी इस रिश्ते को खत्म कर दो और अपने लिए एक नई जिंदगी शुरू कर दो। टेस्ट कैसे रोकूं मैं? इतने बड़े अस्पताल में किधर ढूंढूं कि ये डीएनए टेस्ट होता किधर है? देवा रे देवा, मेरी मदद कर, तू मेरी मदद कर। आबा साहब ने डॉक्टर मुंशी और डॉक्टर दास को मुंबई से बुलाया है डीएनए टेस्ट कराने के लिए। चलो जल्दी, वो लोग आ चुके हैं। देवा रे देवा, ये डॉक्टर लोग भी आ गए। कुमुदनी, कुछ कर वरना तेरी जिंदगी में प्रलय आएगा। 21 साल से ये राज सीने में से दबा कर नहीं रखा है कि मेरे सारे सपने धूल में मिल जाए। कुमुदनी, कुछ कर देवा रे देवा, मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। ए, रुक रुक रुक, एक मिनट। ये पगलेट यहाँ क्या कर रही है? ये रख ले, हमारी सुनबाई की तरफ से बख्शीश ये है, रख ले। ये काय को? अरे वो मुंबई से डॉक्टर आने वाले थे ना कुछ टेस्ट करने के लिए, वो क्या डी डी डीएनए, आ गए क्या? हाँ, वो लोग तो आ गए। अब ये बख्शीश ली है ना, तो काम तो करना ही पड़ेगा तेरे को। देख, आबा साहेब की सुनवाई है, वो कहीं भी मुंह मत खोलना। हाँ, ये ले। हेयर ब्रश, ये किसके? इसमें जो बाल है ना, वो हमारे सुनवाई के पति के बाल है, शाश्वत राव के।
उसका डीएनए टेस्ट करवाना है। आराध्या है ना, उसके डीएनए से मिलवा के देखना है। काम होने के बाद बहुत सारा पैसा मिलेगा। हाँ, देवारे देवा, ये आबा साहेब की सुन भाई, अपने पति का डीएनए टेस्ट क्यों करवा रहे? अरे ये तो गलत सोच रही है, इसे लग रहा है कि आर्यन और आराध्या भाई बहन है। इतना गलत सोच रही है ये, आर्यन और आराध्या भाई बहन नहीं है। और ये राज सिर्फ मैं जानती हूँ कि ये दोनों किसके बच्चे हैं। कुछ करना होगा देवारे देवा, कुछ करना होगा। फॉग लाइट कहीं की दिखता नहीं क्या? तुम दीदी ये कोशिया है तू? अरे आए भुलक्कड़ बुढ़िया, बिल्ली की तरफ फुदक गई। यहाँ तेरा दिमाग का इलाज चल रहा है ना यहाँ, तो फिर तू यहाँ क्या कर रही है बाहर? जा अपने कमरे में फुट चल। रुक 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 रुक, पहले ये तो बता तू इस हॉस्पिटल में क्या कर रही है? फिर से कोई अदला बदली करने आई है? हाँ मैं समझ गई, तू बिल्कुल नहीं बदली, इससे तू गड़बड़ घोटाला करने आई है ना? गप्पा बस। याद है मेरे को किस साल पहले तूने घोटाला करवाया था मेरे से, बच्चे की अदला बदली करवाई थी, याद है ना? गप्पा बस गप्पा, कुछ बोल मत। खुद का नाम तक याद नहीं है, मुझे देखकर ही मेरे कर्मों को पढ़ लेती है तू कैसे? कौन है तू और इतनी मेरे पे क्यों चिल्ला रही है? मुझे पता है मैं भूल जाती हूँ, पर कोई कोई बात ना दिमाग में बिजली की तरह चमकती है। याद है ना तेरे को मुझे आइसक्रीम खाना था, मैंने नर्स को बोला था आइसक्रीम के लिए, तू मेरे को आइसक्रीम खिलाएगी क्या? हाँ दिलाऊंगी ना, आइसक्रीम खाएगी, बर्फ के गोले बड़े बड़े। उसके लिए क्या करना होगा? ऐसे चुप। मैं चुप नहीं रहूंगी। पुरानी दोस्त है, उसी के मारे पागल हो रही है। पागल औरत? तू मेरे को क्यों पागल बोल रही है? तू पागल है, मैं पागल नहीं हूँ। याद आया 21 साल पहले बच्चा अदली बदली। इसे तो भूलने की बीमारी है, लेकिन अगर इसने बड़बड़ करना बंद नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी। मेरे 21 सालों का प्लान 21 मिनट में चौपट कर देगी ये भुलक्कड़ बुढ़िया। देवा रे देवा, काय करूं मैं इसका? बर्फ के गोले खाएगी? चल मेरे साथ चल खिलाती हूँ तुझे। भुलक्कड़ बुढ़िया, 21 सालों की तपस्या में ऐसे भंग नहीं होने दूंगी। शंकरी गप्पा बस गप्पा। हाँ जानती है ना, हाँ अपमान का बदला लेने को 3-5 किए मैंने, 3-5। अब तो कुछ नहीं कर सकती, मंजिल करीब है, अब तो बुल्ली की तरफ फुदकना चाहती है उसमें। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, तुझे अपने रास्ते का कांटा नहीं होने दूंगी शंकरी। बच्चे तो तूने बदली किए थे ना इसी अस्पताल में, फिर मेरे को बहुत बोल रही है तू गप्पा बस, बहुत बोल रही है। तेरा बोलना बंद करना पड़ेगा मेरे को, अभी तू ज्यादा बोल मत। क्या पूछ रही थी? हाँ बच्चे, हाँ मैंने ही बदले।
मैंने बदले बच्चों को, मैंने बदले, करना पड़ा शंकरी, अपमान अपमान का बदला लेने के लिए बच्चे बदलने पड़े मुझे, बच्चे बदलने पड़े। तेरी करतूतों से तूने पूरे कृष्णावती में गंध फैला दी है। अब समय आ गया है गंध को साफ करने का। पंचायतों ने फैसला लिया है कि अब 21 साल बाद ही तू कृष्णावती में कदम रख सकती है। चली जा यहां से, ना काला मुंह लेके। ज्यादा इतरा मत प्रद्युम्न विद्याधर राव, अजय कृष्णदास से कुमुदिनी सबके सामने तुझे श्राप देती है। तू देख, एक दिन ऐसा ही आएगा, ठीक ऐसे ही तू मेरे पैरों में पड़ा गिड़गिड़ा रहा होगा, पर मैं तेरे सामने ठहाके लगा रही होगी। याद रखना प्रद्युम्न, याद रख। उसके बाद मैं तो बिखर गई। देवारे देवा, इसी अस्पताल में आई थी मैं। मेरी बेटी तुलसी अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी रे। लकू, मुझे बहुत डर लग रहा है। पहले ही दो बेटियों को पैदा किया है मैंने, इस बार भी अगर बेटी हो गई तो हवा साहब मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, अपने बेटे के लिए दूसरी बहू लाएंगे वो। नकू, प्रार्थना करके इस बार मुझे बेटा हो जाए। शायद देवा कृष्णा ने मेरी सुन ली है। देख कुमुदिनी, देख, तुलसी ने बेटे को जन्म दिया है, आज ही बन गई तू। देख देख, कितना प्यारा लग रहा है तेरा नाती। अरे सोच क्या रही है, तुलसी को उसके बेटे का मुंह तो दिखा दे। देवा कृष्णा ने मेरा अपमान का बदला लेने के लिए इसको भेजा है। ये अपमान का बदला, ये छोटा सा बच्चा, ये क्या बोल रही है तू? ओ शंकरे, तूने देखा नहीं किस तरह प्रद्युम्न विद्याधर राव ने मेरी बेइज्जती की इस गांव में सबके सामने? क्या हाल कर दिया उसने मेरा। अब सिक्का मेरे हाथ में है, अब तू देख इस सिक्के को उछाल कर उसका पासा कैसे मैं पलट दूंगी। बस मेरा वक्त आ गया है शंकरे, तू बस मना मत कर। ये बदला लेने के लिए मुझे तेरी मदद की जरूरत है गा। तुझे मेरी दोस्ती का वास्ता। प्रद्युम्न विद्याधर राव की सून बाई पवित्रा ने बेटी को जन्म दिया है, पर उसे अभी तक पता ही नहीं है। अच्छा है कि उसके घर के बाकी लोग भी बेटे के लिए प्रार्थना करने गए हैं मंदिर में। मैदान साफ है कुमुदनी, यही मौका है अपना काम करने का। चल चल। मेरी बेटी तुलसी का बेटा पवित्रा के पास और पवित्रा की बेटी मेरे पास पहुंचाना है तुझे शंकरी। पनवन का ही नहीं शंकरी, हमारी दोस्ती का वास्ता, ना मत कहना। ठीक है कुमुदिनी, मैं तेरे साथ हूँ। मेरी बेटी तुलसी का अंश अपनी आजी का बदला लेगा, ये कहलाएगा प्रद्युम्न विद्याधर राव का पोता, और उसकी पोती कहलाएगी एक कृष्णदासी की बेटी। अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगी किसी को भी, सही समय आएगा ना तो दुनिया के सामने चिट्ठा खोल कर रखूंगी मैं। देवा रे देवा, तू आयसरे देवा, हाथ के हाथ हथियार दे दिया तूने मुझे। सर सर,
प्रद्युम्न विद्याधर राव की सुन भाई, तुझे बेटी नहीं चाहिए थी ना, ले तेरे माथे के कलंक को अपने साथ लेकर जा रही हूं, पर मेरी नाती को रख अपने साथ, शान से रह उस हवेली में। सुन भाई, तेरी बेटी है ना, मेरी बहुत काम आएगी, ये जब बड़ी हो जाएगी ना, तब मैं इसे बनाऊंगी एक देवदासी। ये कहलाएगी कृष्णदासी कुमुदिनी की नातिन, और बड़ी होकर यही सबक सिखाएगी तेरे महाघमंडी ससुर को, प्रद्युम्न विद्याधर राव। आज से और अभी से नीतू छिया जी, बधाई हो, बेटी हुई है। क्या नाम रखोगे इसका? इसका नाम मैं रखूंगी आराध्या। कहाँ है? आला इसे हमारे पास। सबक। अरे तू चिंता ना कर, तुझे भी गोद में लिया हमने कई बार। हमारी जिगर का टुकड़ा, हमारे खानदान का वारिस, हमारा शेर आर्यन प्रद्युम्न विद्याधर राव। जिस दिन तुझे सच्चाई पता चलेगी ना कि जिसको तू पोता 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 कहकर उछाल रहा है वो एक कृष्णदासी का खून है, तो कैसा लगेगा ना तुझे प्रद्युम्न विद्याधर राव। मैं तो एक एक दिन गिनूंगी उस दिन को देखने के वास्ते, तब तक तेरी पोती आराध्या इस कृष्णदासी के घर में पलेगी, कृष्णदासी कहलाएगी। चल प्रद्युम्न विद्याधर राव, देखते हैं कि फर्क खून में होता है कि परवरिश में। देख शंकरी, ये राज सिर्फ तू और मैं, हम दोनों ही जानते हैं कि आराध्या शाश्वत और पवित्रा की बेटी है, और आर्यन तुलसी और मंत का बेटा, मतलब मेरा नाती। ऑन टाइम से पहले अगर इस राज पर से पर्दा उठ गया ना, तो तुझे पता है क्या होगा? 21 बरस की मेहनत, सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिलहाल तो मुझे वो डीएनए टेस्ट वाला लफड़ा सुलझाना ही होगा, क्योंकि डीएनए टेस्ट होने के बाद अगर लोगों को ये पता चल गया कि आराध्या महंत और तुलसी की बेटी नहीं, तो तू जानती है वो प्रद्युम्न क्या करेगा? हाँ, पत्थर उठाकर फेंकेगा मेरी बेटी पर। और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी शंकरी, वो मेरी बेटी है, लोग मेरी बेटी तुलसी के चरित्र पर उंगली उठाएंगे, मैं ये सह नहीं पाऊंगी। और अगर ये पता चल गया कि आराध्या शाश्वत और पवित्रा की बेटी है, तो सारे रिश्ते नाते सब उलझ जाएंगे, सब आड़ा टेढ़ा हो जाएगा। अभी मैं ये सब नहीं चाहती हूँ, समय सही नहीं है, समय आने दो, मैं खुद बता दूंगी सबको। तब तक तू बंद रख, हाँ, तुझे छोड़ूंगी थोड़ी देर बाद, बस थोड़ी देर और मेरा काम हो जाए, पहले मैं इधर का उधर और उधर का इधर कर दूँ ना, उसके बाद तुझे छोड़ दूंगी, बर्फ के गोले खाएगी ना, लेकर आती हूँ बड़े बड़े बर्फ के गोले। गाय, ऐसा क्यों सोचती है तू? जो कुछ भी हो रहा है हम दोनों की भलाई के लिए हो रहा है, बस तू प्रार्थना कर कि जल्द से जल्द खत्म हो जाए। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तेरे साथ हूँ।
हमेशा। चलिए बहन जी, गांव वाले इन देवदासियों के गंदे झूठ के खुलासे का इंतजार कर रहे हैं। भाई चल कहीं और चल के बैठते हैं। चल चलिए बहन जी। बहन जी यहाँ ज्यादा देर रुकेंगे नहीं, जल्दी से ले लो सैंपल। सब कुछ रेडी है अब्बा साहब, सिर्फ 2 मिनट लगेगा। आइए मान जी। देवा रे देवा, ये महंत भी गया अंदर, थोड़ी देर में टेस्ट भी शुरू हो जाएगा। या तो सब के सब जमे बैठे हैं। हाँ जो भी करना है जल्दी करना होगा कुमुदनी। जल्दी से टॉयलेट एसी रूम में ले चलो। मैडम मैं 2 मिनट में सैंपल लेके आया। पापा की पुरानी सोच की वजह से आपको इस सबसे गुजरना पड़ रहा है। वैसे किसी का भी हक नहीं बनता आंटी, किसी औरत को अपनी सच्चाई साबित करने के लिए डीएनए टेस्ट करने पर मजबूर करे। ऐसे मुझसे ज्यादा जानते हो आप कि इनको समझाना कितना मुश्किल। इट्स ओके बेटा, तुमने हमारे बारे में इतना कुछ सोचा वही काफी है। तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। एक्चुअली आर्यन, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम क्यों सॉरी कह रहे हो? दरअसल किसी भी मर्द का ये जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो किसी भी बच्चे के बाप के बारे में सवाल कर सके, स्पेशली तब जब उसकी माँ एक सिंगल मदर हो। उसकी मांग में किसी मर्द के नाम का सिंदूर ना, कोई ये नहीं जानना चाहता। इस दुनिया में किसी को इंटरेस्ट नहीं है ये जानने का कि बच्चे की माँ कौन है, किसी को नहीं जानना। मैं तो ये समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों नहीं होता कि किसी बच्चे की पहचान उसकी माँ के नाम से हो, उसके आई के नाम से। उसके नाम पर उसके बाप के नाम का एक स्टैंप होना क्यों जरूरी है? मुझे बहुत गर्व है कि मेरी आई मेरे बाबा भी है और मेरी आई भी। बाकी बातों से मुझे कोई लेना देना नहीं, ये डीएनए टेस्ट वेस्ट जो भी है। I'm sorry. अरे मैं तुमसे नहीं कह रही हूँ ये सारी बातें। एक्चुअली क्या है कि मेरे प्लीज सॉरी मत बोलो, गलती हमारी है। वैसे तुम्हारी आई हो मेरी आई हो, किसी के साथ भी करना वैसे गलत है। प्लीज डोंट से सॉरी। ठीक है आंटी, मैं बाद में मिलता हूँ। देवा कहीं इस केचुए ने देख तो नहीं लिया मुझे? कहाँ जा रहे हैं अंदर? हमारे भांजी अंदर है।
के आने के बाद ही ले जाना अंदर। अबा सर, ये सब सामान अभी अंदर ले जाना बहुत जरूरी है। ऐसा क्या है सामान है? ये अभी अंदर ले जाना जरूरी है? क्या है, क्या क्या ये, क्या ये? इसमें मेडिसिन लीजिए। ऐसी गंध है क्या? ठीका चल छोड़ दे, दे। बहुत बदबू आ रही है, चल जा ले जा। मैंने आपका ब्लड सैंपल ले लिया है, अब आप जा सकते हैं मान जी। आइए, मैं छोड़ देता हूँ। ब्रश सामने ही पड़ा है। ये सुकड़ी नर्स यहां से कब हटेगी, तब जाकर मेरा काम बनेगा। अगर इसने यहाँ से ब्रश को कहीं और रख दिया तो मेरी सारी मेहनत बेकार जाएगी। सबसे पहले तो इसी ब्रश को हत्याना पड़ेगा। अरु शाश्वत और पवित्रा की बेटी है और आर्यन महंत और तुलसी का। अगर ये ब्रश मैंने हासिल नहीं किया ना तो वाट लग जाएगी। शाश्वत का डीएनए अरु से मैच हो जाएगा और लोग यही कहेंगे कि शाश्वत और तुलसी के संबंध थे और सवाल उठाएंगे। बात बहुत बिगड़ जाएगी कुमुदनी। मंद के टेस्ट को इसके बाद भुगत लूंगी। पहले फटाफट शाश्वत के सैंपल को ठिकाने लगाती हूँ। मैं रिपोर्ट लिए बिना कहीं नहीं जाने वाली। और हाँ, तूने नर्स को बोल दिया है ना कि आर्यन के बाबा की डीएनए रिपोर्ट किसी को ना बताए? चिंता मत करो, मैंने उस नर्स को और पैसे का भी लालच दिया है। वो रिपोर्ट अपने को ही देगी। नर्स, महन जी का और उस लड़की का ब्लड सैंपल से क्या हो, सबसे पहले उन्हीं का टेस्ट करेंगे। देवा रे देवा, तू मदद करने के लिए कहाँ कहाँ खड़ा हो जाता है। मंथ के टेस्ट को तो मैं रोक नहीं पाई, लेकिन शाश्वत के टेस्ट को तो मैं रोक सकती हूँ। तुलसी, मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर, मैं तेरी मदद नहीं कर पाई, मुझे अपनी मदद करनी है अभी। तू आइस रे देवा, तू आइस। महंत जी तो ना जाने किस बात पे टेंशन में लग रहे हैं सर पे। टेस्ट का नतीजा आने से पहले हम सबको पता है कि आप निर्दोष हैं, पर अफसोस की बात यह है कि इतने दिनों बाद आप कृष्णावती आए और देवदासियों की वजह से आपको फालतू की बातों में उलझना पड़ा। आबा साहेब, टेस्ट का परिणाम आने के बाद उस औरत को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। उसने हमारे भगवान पर उंगली उठाई।
दंड तो उसे मिलना चाहिए। अगर तुलसी की बात सच निकली तो मैं क्या काम से, सारे गांव वाले मेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। पवित्रा और शाश्वत एक साथ यहाँ, अब ये कौन सा नया ड्रामा है? कृष्णा देवा ये चल क्या रहा है? क्या करूँ मैं तुम्हारा और तुम्हारे शक का, पता मुझे? तुम्हारे शक की बीमारी की वजह से आज हम पति पत्नी होने के बाद भी एक ही घर में अजनबियों की तरह रहते हैं। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि मेरे और तुलसी के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, लेकिन तुम अभी भी वहीं अटकी हुई हो। ना खुद जीती हो ना मुझे जीने देती हो। जिसे तुम शक कह रहे हो वो मेरा डर है। जिंदगी भर इस डर के साथ जीती आ रही हूँ मैं। आज अगर मुझे मौका मिला इस डर को दूर करने का तो इसमें क्या गलत है? गलत है पवित्रा, गलत है। मुझे तो ये सोच के भी शर्म आ रही है कि तुम ये साबित करने पर तुली हो कि मेरे और तुलसी के बीच में नाजायज संबंध है। और हत्या मेरी बेटी है। मैं तुम्हें बार बार बता चुका हूं कि तुलसी मेरी बहन सरस्वती की सहेली थी, बस। अगर तुम्हारी बात सच है तो मुझे ये टेस्ट करवाने दो ना, मेरा भी वहम दूर हो जाएगा। अपनी बकवास बंद करो, बंद करो अपनी बकवास। आज तुम्हारे वहम ने सारी हदें पार कर दी है। हद पार हो ही गई है तो इस वहम को भी खत्म हो जाने दो। आज यही है ना, यही ना हेयर ब्रश? इसी में ना मेरे बालों का सैंपल। मुझे दो, मुझे दो, दे दो मुझे। तुम अनर्थ करने जा रही हो। कृष्ण देवा ये पवित्रा क्या खाकर आई है आज, मानने का नाम नहीं ले रही। कहते हैं सांझ को आज क्या, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें डर है कि सच सबके सामने आ जाएगा? मैंने कहा अपनी बकवास बंद करो। हेयर ब्रश मुझे दो, वरना मैं अपनी नस काट दूंगी। पागल बनती मत करो। मैं अपनी नस काट दूंगी, बता रही हूँ। करने की कोशिश मत करो तुम। छोड़ो। मैं कहता हूँ बंद करो अपना ये ड्रामा। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे इस शक की चिंगारी की वजह से हमारी जिंदगियां सुलग रही हैं। मैं इसे नहीं, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। हाँ हाँ जला दे शाश्वत, जला दे, जला दे। किस्सा ही खत्म हो जाएगा, एक तिल्ली से हम दोनों का काम बन जाएगा।